हाँ, तो भाई साहब ये है लोकल बॉक्स, तो उससे मेरा क्या फायदा? देख तो भाई छोटे छोटे, ओह सॉरी, ये है गाइस लॉक वाले बॉक्स। हाँ गाइस, सच्चाई निकल ही जाती है कागज के फूलों से, और भाई खुशबू आ नहीं सकती टट्टी से। वाह वाह, क्या शेर मारा है मैंने गाइस, लिख लेना। बदतमीज है आप, कहीं बदबू फैला नहीं हो, शेर को छोड़ देना, सब भाग जाएंगे। तो भाई इसके अंदर काफी छोटे छोटे बॉक्स है। चलो भाई मैं आपको पास से दिखाता हूँ। देखे भाई साहब, देखो भाई ये छोटे बॉक्स आप क्या होगा इसमें लेकर आया था, और भाई साहब वाह बच्चा हुआ है। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं किसी भी तरह का पीवीसी पाइप की शीट का यूज नहीं करने वाला, किसी भी तरह का एमटी बोर्ड लकड़ी वगैरह नहीं यूज करने वाला। गाइस मैं डार्क शॉर्टकट पाता हूँ, तो भैया देखिए ये छोटे छोटे बॉक्स है, 15-20 रुपए गाइस आपको आराम से मिल जाएंगे। ये तो भाई साहब 5 रुपए का है। तो भाई साहब आज इस वीडियो में मैं वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सबसे छोटा एम्पलीफायर मिक्सर बनाऊंगा। जी हाँ, वो एम्पलीफायर भी होगा और मिक्सर भी होगा, और हाँ ब्लूटूथ वाला भी होगा। तो गाइस फटाफट काम शुरू करते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। डिब्बा कौन सा लेना ये डिपेंड करेगा आप मटेरियल बोर्ड कौन सा ले रहे हो, कंपोनेंट्स कौन से ले रहे हो। चलो गाइस पहले आप इंट्रो देख लो, वो वाला हमारा वाला समर एक्सपेरिमेंट। तो भाई आपने देखा कैसे साउंड है, वैसे गाइस म्यूजिक नहीं है, ये भाई ईशो की आवाज है, और आई होप उन्होंने मुंह से ही निकाली होगी। अच्छा बात नहीं है। चले भाई साहब फटाफट, भाई मैं कंपोनेंट्स लेकर आता हूँ। हाँ तो भाई साहब मेरे पास कुछ 90 बोर्ड है सोडिया, और भाई ये सारे के सारे क्लास डी के हैं, ऐसे भाई समझ में नहीं आएंगे। पता ना गाइस मेरे को आप टेढ़े क्यों दिखाई दे रहे हो, क्योंकि भाई साहब मैं स्मॉलेस्ट एक एम्पलीफायर मिक्सर बना रहा हूँ, या मिक्सर एम्पलीफायर बना रहा हूँ, तो भाई मैं इस बोर्ड को तो नहीं लूंगा भाई। 3+3 वाट इसे भी नहीं लेंगे, बोर अगे हटाते साइड में भाई। 15+15 वाट TPA 3110 ये बोर्ड है, लिखा भी इस पर 15+15 वाट। लेकिन भाई साहब ये मैंने काफी बार आपको यूज करा दिया, कुछ धमाकेदार होना चाहिए। तो भाई साहब आज मैं थोड़ा धमाकेदार बनाने वाला हूँ, तो भाई मैं इस बोर्ड का यूज करने वाला हूँ, और भाई ये 30+30 वाट यानी कि 60 वाट का ऐसी बोर्ड है, 30 वाट राइट 30 वाट लेफ्ट, और भाई ये 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट पर वर्क करता है, मजे आ जाएगा। उधम भी तो कटा थोड़ा था। तो चले भाई साहब फटाफट इसके साइज का हम एक बॉक्स ढूंढते हैं, थोड़ा सा फिटिंग में ज्यादा टफ ही रखूंगा। तो भाई ये 3 टाइप के बॉक्स हैं, ये भैया सबसे छोटा बॉक्स होगा, इस 5 रुपए का मिला है सिर्फ, ठीक है इसमें आ जाएगा बोर्ड। ओ भाई आ गया, वाह मजा आ गया, ये तो भाई साहब आ ही जाएंगे, ये थे नन्ने मुन्ने थे, ठीक है तो इनकी दिक्कत नहीं है। और भाई साहब अगर आपको इसका यूज करना हो, वो भाई साहब बड़ा बोर्ड है, तो भाई साहब आपको बोर्ड का भी बड़ा यूज करना पड़ेगा। अरे भाई साहब यहाँ से निकल जाएगा भैया नोब, भाई साहब उधम काट लोगे इसमें सारी चीज आ जाएंगे, बस बवाल हो जाएगा बवाल, ठीक है। लेकिन इसका यूज नहीं करने वाला, और भाई साहब ये 72-97 ठीक, और भाई साहब ये 120+120 वाट वाला बोर्ड है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, हमें सबसे छोटा बनाना है। तो भाई साहब हम लेंगे या तो ये वाला या ये वाला। भाई देखो सिंपल बात है, जितने फीचर्स जितने फंक्शन आपको डालने इसके अंदर, उतना ही बड़ा बॉक्स गाइस आपको लेना पड़ेगा। तो भाई जैसे सपोज करो भाई ये स्पीकर का सॉकेट कह सकते हो भाई, इसमें स्पीकर के वायर लग जाते हैं। अगर भाई साहब आपको इसे लगाना है इस बॉक्स के अंदर, तो भाई बॉक्स के अंदर नहीं आएगा, तो गाइस आपको बड़ा बॉक्स लेना पड़ेगा। देखो भाई साहब ये तो इसमें आराम से आ जाएगा, लेकिन भाई साहब ये नहीं आ पाएगा। अगर मैं इस बोर्ड को इसमें यहाँ लगाता हूँ, तो भाई साहब इसमें ये भी आ जाएगा, ठीक है और भी चीजें आ जाएंगी। तो भाई साहब देखना पड़ेगा कौन सा लगाएं। लेकिन भाई साहब हाँ बनाना है काफी छोटा, बहुत छोटा, तो भाई हम लेंगे छोटू बॉक्स। तो भाई साहब मैं इसे नहीं लगाने वाला, कोई खास जरूरत नहीं है। वैसे भाई ये बोर्ड काफी क्यूट लगता है, और ये वाला जो कलर है देखना होगा, इस आंखों को सुकून मिल जाता है। पहले भैया लगा के देख लो आएगा नहीं आएगा, वैसे तो ये आ गया, बंद होगा नहीं होगा, वाह बंद भी हो जाएगा। अब गाइस आपने बोर्ड तो भैया देख लिया है, लेकिन भाई हमें चाहिए मिक्सिंग करने के लिए कुछ और कंपोनेंट्स, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है गाइस, आपके लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। अगर भाई आपके पास ये वाला बोर्ड नहीं मिले, और छोटे बोर्ड हैं जो भाई मैंने आपको दिखाई है PM 84 3, जो भी आप उसे भी लगा सकते हो प्रैक्टिकल बनाने के लिए, बाद में आप कोई भी बड़ा बोर्ड इसमें लगा सकते हो, ठीक है। भाई सबसे पहले दो अलग अलग टाइप के ब्लूटूथ मॉड्यूल, अलग अलग टाइप के मैं क्यों कह रहा हूँ पहले आपको बताता हूँ। यह 3.0 ओल्ड वर्जन है थोड़ा सा, यह है 5.0 ये न्यू वर्जन है थोड़ा सा, इससे ऊपर भी आ गए हैं, लेकिन ये फिर भी न्यू कहेंगे 5.0 है। इस दर्द की वजह क्या है? बवासीर हो सकती है। मुझे बवासीर है। नहीं मैं अपनी वाणी का गाइस आज बात नहीं करूंगा इस वीडियो में, ठीक है, वरना गाइस आप रो पड़ोगे, ठीक है, आपके नाक से आंसू आ जाएंगे। भैया दिक्कत है कि मैं दो ये क्यों ले रहा हूं? भाई मेन चीज है आपको अलग अलग फोन से गाइस इन्हें कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब दो फोन आपको चाहिए जिससे भाई दो फोन से आप मिक्सिंग कर सको। अब देखो भाई आपको आवाज कम या ज्यादा करनी पड़ेगी, एक कम एक की ज्यादा। मैंने कहा ना गाइस बिल्कुल सिंपल वे बनाएंगे, कोई भी इसे बना लेगा। तो भैया आप चाहो तो मोबाइल से आवाज कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन भाई साहब बार बार मोबाइल कौन हाथ से पकड़ेगा, इसे पकड़ रखेंगे ना, तो भाई इससे आवाज कम ज्यादा कर सकते हैं और मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर आप इससे ना चाहो मत करो, और जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन मैं तो कहूंगा आप इससे भी करें। तो भाई साहब इस चीज को करने के लिए
10K के पोटेंशियोमीटर दो ले रहा हूँ, क्योंकि दो ही बोर्ड आएंगे ब्लूटूथ वाले, तो भाई दो ही पोटेंशियोमीटर चाहिए। और वैसे भी मानो आप ऐसे कितने ही लगा सकते हो, कोई का इस फर्क नहीं पड़ने वाला। जितने ब्लूटूथ आप लाओगे, जितने ब्लूटूथ मॉड्यूल, उतने ही आपके पोटेंशियोमीटर लगेंगे। लेकिन भाई साहब दो से ज्यादा की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। चल भाई साहब फटाफट से पहले मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, देखते रहो गाइस कैसे कनेक्शन होता है। बहुत सिंपल है, कनेक्शन हो गया गाइस। मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ, काफी ज्यादा गाइस वायर आ गए यहाँ पर, मतलब बहुत सारे आ गए हैं। एक प्रॉब्लम और रही है, मैं चलिए आपको बताता हूँ, पहले आ जाओ पास आ जाओ, मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल यहीं पे दिखा दूंगा जो भी होगा। देख भाई देखिए, ये सिंगल वाले पोटेंशियोमीटर थे, ठीक है भाई, दिक्कत ये आ रही है दोनों से अलग अलग स्पीकर चल रहे थे। सिंपल बात है, चलती क्यों, यहाँ पे देखो लेफ्ट इसका जोड़ दिया और राइट इसका जोड़ दिया। ले गाइस मुझे क्या करना था, मुझे भाई साहब दोनों स्पीकर चलाने थे, एक से इससे भी दोनों स्पीकर चले, यानी कि स्पीकर की आवाज कम या ज्यादा इससे भी हो और भाई साहब इससे भी हो। सिंपल बात, मैं सोचा था सिंगल लगाऊं, लेकिन मैंने फिर बाद में डबल लगा दिया कि यार मजा नहीं आएगा। तो भाई आपको सिंगल वाले नहीं लगाने, आप लगा सकते हो अगर आपको लेफ्ट और राइट स्पीकर चलाना हो, लेकिन भाई साहब डबल लगा आपको ये फायदा होगा, इसी से आपको दोनों स्पीकर का आउटपुट मिल जाएगा। इसी से आप दोनों स्पीकर की आवाज कम ज्यादा कर सकते हो, ऐसे आप इसी से कम ज्यादा कर सकते हो। सिंपल बात है, लेफ्ट राइट दोनों इसमें जुड़े हैं, इसमें जुड़े हैं, ठीक है। पहले मैंने क्या किया था, इससे लेफ्ट जोड़ दिया था, इससे राइट जोड़ दिया था, ठीक है, ये बेस्ट है। और सिंपल से बात है बॉस, ये 24 वोल्ट से चलता है, 12 24 वोल्ट मान के चलते हैं, और भाई दोनों 5 वोल्ट से चलते हैं। भाई कनेक्शन बहुत ईजी है, इजी से पहले शुरू करते हैं। भाई यहाँ पे देखिए, राइट स्पीकर के और लेफ्ट स्पीकर के ये दोनों वायर निकले हैं, ठीक, यहाँ तक सिंपल है। आपको समर भाई यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव है, इन्हें कैसे देखेगा, भाई बहुत ईजी है, वायर मैंने छोटा बड़ा कर दिया है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। सेम भाई इसमें भी है, ये भैया छोटा वाला नेगेटिव है और ये बड़ा वाला पॉजिटिव है। देखो भाई नेगेटिव में सीधे नेगेटिव लगा दिया आईसी के, और भैया यार इनपुट पॉजिटिव सीधा यहाँ से 24 वोल्ट मिल रहे हैं, और वैसे ये देगा सीधा आपको 5 वोल्ट आउटपुट, नेगेटिव आउटपुट और पॉजिटिव आउटपुट। ये भैया मैंने दोनों लगा दिए मॉड्यूल पर, ब्लूटूथ मॉड्यूल पर, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत ईजी है। अब अदरवाइज मैंने पोटेंशियोमीटर कैसे लगाया, मेन चीज तो बहुत इस पर है, नेगेटिव सीधा नेगेटिव लगा दिया पोटेंशियोमीटर, इसका नेगेटिव ग्राउंड सीधा इस पर लगा दिया, ठीक है। और भैया लेफ्ट का लगा दिया बीच वाली पर, ये रहा लेफ्ट और राइट, एक इस पर लगा था राइट और एक लेफ्ट होता है इस पर। और भैया जो यहाँ से आ रहा है लेफ्ट और राइट, इसका देखो इसका जो लेफ्ट राइट है ये सीधा थर्ड पिन पर लगा दिया दोनों, ये रहे बहुत ही कनेक्शन है, दिखेगा लेफ्ट यहाँ पर, यानी भाई इन दोनों के बीच मैंने एक पोटेंशियोमीटर लगा दिया है, लेफ्ट ही वाला है तो इसमें लेफ्ट जोड़ दिया, राइट वाला है तो इसमें राइट जोड़ दिया, इसका ब्लूटूथ मॉड्यूल का। तो भाई आई होप आपके कनेक्शन समझ में आ गए, काफी इजी कनेक्शन है, कुछ नहीं है। बीच में आपको स्विच की तरह पोटेंशियोमीटर दे रहा है, नेगेटिव वायर जोड़ लगे, वरना गाइस आवाज कम नहीं होगी, कम होगी लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो भाई साहब इसमें दो मोबाइल कनेक्ट होंगे अलग अलग, दोनों में अलग अलग वीडियो चलेगी, वो मैं आपको सब प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। तो चलेगा इस फरवरी में सारे ताम झाम को इस बॉक्स के अंदर भैया फिट करते हैं, देखते हैं वो कैसे होता है। मटेरियल काफी सारा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, वायर सारे बहुत ज्यादा हो गए हैं, मैंने कोई अलग से सॉकेट नहीं लगाया इसमें, सारे मैंने वायर निकाले, सर इस जगह बचे, स्पेस बचे। तो ले जाओ भाई साहब, ये बन चुका है छोटा सा एम्पलीफायर प्लस एक मिक्सर भी, ड्यूअल ब्लूटूथ मॉड्यूल इसके अंदर लग रहे हैं, और भाई वो धमाका कर देंगे, वो धमाल कर देंगे, और भाई देखने में काफी क्यूट लग रहा है, देख सकते हो। इसमें गाइस अभी नोब रेड, जब नोब लगाता हूँ, ये नहीं भाई साहब दो नोब, और ये भाई पीली थी, इस पर मैंने रेड मार्कर लगा दिया है, इसमें भाई ये थोड़ा ऐसा चमक रहा है, और ये लगाना भाई जरूरी है, वरना भाई ये आपसे अच्छे से चलेगा नहीं, है ना भाई साहब। देखो भाई ऐसा चलेगा, वाह कटक कटक कट वाले हैं भाई, हल्के हल्के स्टेप से चलते थे, ये जो पोटेंशियोमीटर नहीं स्टेप वाले, हल्के हल्के स्टेप से चलते हैं, ठीक है, स्मूथ वाले नहीं है। तो भाई ये मेरे को और मस्त लगते हैं। अब गाइस आप इसका डिजाइन देखो, देखिए कैसा लग रहा है, छोटा सा भाई, और क्या लोगे, देखो इससे छोटा भाई क्या बना पाएंगे, इसमें भाई इससे ज्यादा कुछ आएगा ही नहीं। तो वैसे भी ये रहे क्या लिखा, लेफ्ट लेफ्ट वाले स्पीकर कोई ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भैया राइट वाले स्पीकर, एक वायर छोटा एक बड़ा है, मैंने आपको कैसे बता ही दिया, छोटा वाला नेगेटिव है, बड़ा वाला पॉजिटिव है। और भैया ये रहे सीधा 24 वोल्ट, यानी 8 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट,
बोर्ड वर्क कर लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई चलिए, और ये इसके दोनों पोटेंशियोमीटर रही, अब भाई साहब फटाफट इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं स्पीकर लेकर आता हूँ, दो स्पीकर इसमें लगेंगे। तो भाई ये दो स्पीकर है, एक भैया 30 वाट का और एक 25 वाट का, ऐसा इसके पीछे मैग्नेट पर लिखा है, मोटा मोटा 20-25 वाट का। यानी गाइस ये जो किट है मस्त इन्हें चला देगी, इसके पर्पज से ठीक है। और भाई साहब अगर ये थोड़ी आवाज फटे तो गाइस प्लीज माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि भाई साहब अभी ये बॉक्स के अंदर यानी गाइस एक कॉलर के अंदर नहीं है, तो गाइस आवाज में फर्क आ जाएगा। अभी फिलहाल मैं आपको इसके साउंड नहीं सुना रहा, मैं इसके फंक्शन जो इसके अंदर ये फंक्शन मैंने डाला है ना, ये मिक्सर वाला, ये सुना रहा हूँ आवाज। बाकी इस बोर्ड की क्लास डी बोर्ड है, बहुत अच्छी आवाज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई यहाँ पर रेड डॉट लग रहा है ना, ये भैया पॉजिटिव वायर है, नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखें, जैसे है देखे इस पर भी लग रहा है, ये मैंने ही लगा देते पहले, अन्य बाबत चेक करते फिर भाई। और भाई साहब मैं चलूँगा इसे पावर सप्लाई से, वरना मेरे को 24 वोल्ट की बैटरी पैक बनाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी आसान है, आप बना सकते हो, अगर आपको बनाना हो 12 वोल्ट से चल जाएगा, लेकिन मज़ा 24 वोल्ट से जो बात है। तो भाई सेटअप तो हो गया हमारा बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर आपको भाई एक बात क्लियर कर दूं, दोनों स्पीकर में सेम आवाज आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा इस पोटेंशियोमीटर से इसमें आवाज आएगी और इस वाले में इसमें आवाज आएगी, दोनों में आवाज सेम आएगी, ठीक है। अब भाई मैं इसको वोल्टेज दे रहा हूँ, मैंने करे तो थे जो, हाँ देखा 24 वोल्ट यहाँ पर हो रहे हैं, और भाई मैंने चलाता हूँ। देखो भाई सब यहाँ पर ये जो लाइट है इंडिकेटर शो हो रहा है, जो बोर्ड के अंदर इनबिल्ट है, तो अलग से आपको कोई इंडिकेटर नहीं लगाना। अब भाई साहब मैं दो मोबाइल लेकर आता हूँ, ठीक है, जो गरीब के पास है। तो भाई यहाँ पर ये दो फोन है, एक आईफोन और एक सैमसंग, दोनों में हमेशा टक्कर ही रहती है। चल भाई मैं फटाफट कनेक्ट करता हूँ। भैया एक है 5.0 ब्लूटूथ मॉड्यूल इसमें और एक है 3.0, ठीक है। तो एक में इधर रखूंगा फोन और एक में इधर रखूंगा फोन, जिससे भाई मैं ऐसे कंट्रोल कर सकूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो है अलग सा हो गई, ये रहा 5.0, ठीक है, ये पैर हो गया, ठीक। तो और भाई इसका भी देखिए, ये ऑलरेडी कनेक्ट है 3.0, आवाज़ नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ से आवाज़ कम कर रखी होगी शायद, हाँ आवाज़ आ रही है, लेकिन आवाज़ कम कर, देखो ठीक, आवाज़ आने का इस हमिंग ना के बराबर आ रही है। अब भाई मैं कोई गाना चलाता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत टेस्टिंग कराऊंगा, ज़्यादा मैंने कहा इस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, पहले आपको कोई भी एक गाना चला के दिखाता हूँ, आईफोन पर चला के दिखाता हूँ। चलो भाई गाना प्ले करता हूँ और आवाज़ यहाँ से मैं फुल कर देता हूँ, ठीक, देख की आवाज़ आ रही है, मैंने कहा इस आवाज़ दोनों स्पीकर मारी है एक नॉब से ही, ठीक है। मैंने कहा इस ये वाली आईफोन की है, तो भाई मैं इस आईफोन की तरफ देता हूँ, पता लग जाएगी ना, आवाज़ बढ़ जा रही है, पर इससे कुछ नहीं होगा नॉब से, क्यों, क्योंकि भाई सब इसमें बंद है। अब मैं ज़रा इसमें कोई गाना चलाता हूँ, गाने में चलाता हूँ नॉर्मली तेरा, ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं आवाज़ फुल कर देता हूँ, दोनों की आवाज़ बिल्कुल फुल है, दोनों गाने एक साथ चलाऊं, दोनों भाई बिल्कुल मिक्स है। आपको भाई इस पे हाथ बैठाना पड़ेगा अपना, ठीक है, क्योंकि भाई साहब मेरे को प्रैक्टिस है नहीं, एक गाने को कम चलाओगे दूसरे का जो लेवल है या वही से वो बढ़ाओगे, ठीक है, देखिए इससे चल रहा, ठीक है, इससे चल रहा, दोनों गाने में एक साथ भी चला सकता हूँ। आप पर्पस समझ गए क्या पर्पस है इसके बनाने का, ये भाई एक छोटा सा पोर्टेबल मिक्सर है और ये स्पीकर भी डायरेक्ट चला देता है, ठीक है। तो भाई ऐसा काफी अच्छा लगता है कि भाई एक गाना खत्म होने से पहले दूसरा गाने की आवाज उठा दी और उसकी आवाज कम कर दी, तो भाई छोटा सा सस्ता जुगाड़ है और ये 100% वर्किंग है। मैंने आपको अच्छे से टेस्टिंग कराई है, आई होप ये जुगाड़ गाइस आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, कमेंट जरूर करें कैसा लगा, बाय बाय।